नू हिंसा के बाद अब कांग्रेस डेलीगेशन नू जाना चाहता था क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई वहां बहुत तेजी के साथ हो रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने यहां पर डेलीगेशन को रोक दिया है, वो वहां पर रोक दिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स यहां पर जबरदस्त तरीके से उतर चुकी है, यानी आगे कोई नहीं जाएगा, ये पूरी तरीके से तय कर दिया गया है। इस पूरे मुद्दे पर अगर राजनीतिक इसको रंग देने की भी कोशिश हो रही है उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि नू का माहौल खराब ना हो, मेवात का माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी की हुई है। लगातार बस यहां पर खड़ी कर दी है, सड़क को रोक दिया गया है, उसके अलावा बैरिकेटिंग यहां पर है, पुलिस के जो जवान हैं जो अधिकारी है वो यहां पर मौजूद हैं, और किसी ने भी अगर माहौल को खराब करने की कोशिश की तो पुलिस के सख्त निर्देश हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए एक एक नहीं बल्कि कई कई लेयर्स में बैरिकेटिंग इसी तरीके से आपको मौजूद दिखेगी। आज इस तरीके से यहां पर लगातार पुलिस फोर्स खड़ा हुआ है, और आगे ठीक में आपको जो गाड़ी खड़ी हुई है वो दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी वहां पर आपको नजर आ रही होगी। उनका डेलीगेशन जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो इस वक्त वहां पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहे हैं। और जो यहां के एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया या तो वो लोग आ जाए उनको ढूंढकर वरना हम निकालना जानते हैं, यानी कि जैसे ही नए एसपी यहां पर आए उन्होंने पूरी तरीके से लगातार एक्शन पर एक्शन लगातार कर रहे हैं। और 31 तारीख के बाद अब कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं और मुकदमे लगातार दर्ज हो रहे हैं, और साफ तौर पर यह आदेश है कि अब छोड़ा कतई नहीं जाएगा, माहौल को खराब नहीं किया जाएगा। यानी इस बार मेवात में जो ढुलमुल रवैया पहले देखा जाता था वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, और इसीलिए जो डेलीगेशन है वहाँ पर आप देख सकते हैं वो इस वक्त वहाँ पर रोक दिया गया है। हालांकि लगातार वो बातचीत करने की कोशिश में है, हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, क्या उनकी दलील है, किस तरीके से बातचीत में वो लगे हैं। वहाँ पर भी पुलिस को लगा दिया गया है और यहाँ पर भी पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। ये तस्वीरें आपके सामने लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नू में माहौल खराब करने को लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, यानी कोई भी कोशिश करेगा तो पुलिस उसको बख्शेगी नहीं। और कांग्रेस के डेलीगेशन को, दीपेंद्र हुड्डा को और तमाम जो लोग हैं उनको भी आगे नहीं दिया जाने दिया जा रहा है। ये सरकार की नाकामयाबी है, इसका हर तरह से इसका फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। CID से सारी रिपोर्टें थी, जो CID इंस्पेक्टर था विश्वजीत उसका वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा, गृह मंत्री के भी अलग अजब गजब के जो उनके बयान आते रहे, कभी किसी को क्लीन चिट दे रहे, कभी किसी को दोषी करार दे रहे, फिर कह रहे कि 3:30 बजे तक मुझे तो पता ही नहीं था, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम किसी को सुरक्षा दे नहीं सकते, हर आदमी को, हर व्यक्ति को। तो ये विफल सरकार है। वो लेकर के हम आए थे, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे MP साहब भी आपको संबोधित करेंगे। सर, अब आगे रणनीति क्या है? देखिए, आप लोगों को रोका गया जाने से। देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो बसेज लगाई गई हैं, जो ये फोर्स लगाई गई है, अगर ये उस दिन लगाई जाती जिस दिन यात्रा हो रही थी, तो ना तो दोनों समुदाय का आपस में कोई टकराव होता, ना यात्रा के ऊपर जिस तरह का, तो आपस में कोई इस तरह की बात नहीं होती। आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम नलहड़ मंदिर में जाके जाना चाहते थे, हमने अभी बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम नलहड़ मंदिर जाना चाहते थे, हम नू शहर के अंदर शहरवासियों से, व्यापारियों से मिलना चाहते थे, हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहाँ मिलना चाहते थे, और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का माल का को नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कहीं ओके, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी भी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जख्मों पर मलम लगाना चाहते थे, अमन चैन की शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब ज़रूरत होती है तो पुलिस व्यवस्था होती नहीं, और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की, ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी, मैं हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सहारे छोड़ दिया गया, कानून व्यवस्था, दो होमगार्डों की जान चलेगी, और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन दो होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए,
उनको शहीद का दर्जा देके उनके परिवारों में नौकरी दी जाए। लेकिन ये सरकार आज 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 हम कुछ आज आज इस पर क्या कहना चाहते हैं, आज आज जो हमने कहा कि जो सारा प्रकरण है, सारा मामला है, पहले दिन से लेकर आज आज तक का जो ये सारा मामला है, उसकी जड़ उस बात में है कि जब सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जब सरकार ने सारे CID इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बावजूद और उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंस के इनपुट की भी जरूरत नहीं, सार्वजनिक जानकारी थी इस इलाके में, वीडियो वायरल हो रहे थे या दोनों पक्षों के इस प्रकार के वीडियो, सबको पता था तनाव बन रहा है। एक मैं देख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति की स्टेटमेंट है कि पहले जब ये यात्राएं निकलती थी तो 2-3 हज़ार पुलिस फोर्स लगती थी, इस साल पुलिस फोर्स ही नहीं लगाई गई, नाम मात्र को पुलिस फोर्स थी। तो उसके लिए कौन दोषी है? गृह मंत्री जी से पूछे तो कहें कि मेरे पास आप में सवाल ना पूछिए, मैं गृह मंत्री जी मंत्री तो हूँ, गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सवाल पूछे मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे तो कहते हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हूँ, पर्याप्त नहीं है पुलिस बल की संख्या, पर्याप्त नहीं सुरक्षा देने के लिए। आज हमें जिनके पास पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं बता रहे, सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं बता रहे, हमारे जाने की व्यवस्था भी वो नहीं कह रहे कि हम नहीं, हमें नहीं जाने देगा। हम कहाँ जाना चाहते थे, हम कहाँ जाना चाहते थे, आप कहाँ 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 जाना चाहते आप? अरे ऐसा ऐसा है, मेरी बात मेरी 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 बात मेरी बात सुनिए, आप जो है कहते हैं जो है, आपका अधिकार है सवाल पूछना, हमारा अधिकार है जवाब देना। आप सवाल अपने विवेक के अनुसार पूछने का अधिकार रखते हैं और उसका हाईकोर्ट का भी अधिकार है और हमारा अधिकार भी, हम जवाब देने का विवेक रख के विवेक अनुसार अपना जवाब देंगे। चलिए बोली बोली बोली। जो जैसे हमने कहा कि पूर्णतः आज हमारा क्या मकसद था, हमारा उद्देश्य था हम नलड़ मंदिर जाना चाहते थे, आज हम नूह शहर के अंदर नूर शहर वासियों को उनसे पूछना चाहते थे, अनाज मंडी में उन व्यापारियों से मिलना चाहते थे और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ है किसी भी कार्रवाई में, दंगे में या किसी कार्रवाई में कहीं नुकसान हुआ है जान माल का, उन सभी हर समुदाय के हर पीड़ित से इस पूरे प्रकरण में सरकार की विफलता की वजह से आज जो सारे पीड़ित हैं, हर धर्म हर समुदाय हर जाति के हर वर्ग की पीड़ा जानना चाहते थे, उनके जख्मों पर मलहम लगाने के लिए आज ऐसी सोच के साथ केवल 9 व्यक्ति और हम संवैधानिक पदों पर हैं, ये केवल राजनीतिक डेलीगेशन ही ना मानिए, दान सिंह जी, भूषण बत्रा जी, कैप्टन साहब के सुपुत्र, ये सब विधानसभा में, मैं संसद से आया हूँ, एक सांसद के रूप में मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। अगर धारा 144 है तो हम 9 में से भी 4 आदमी जाने की हम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ पर इतना बल लगाकर क्या छुपाना चाहती है? सरकार को मुँह छुपाने की जगह नहीं, सरकार अपनी कितनी गलती छुपाए, कितना ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास करे, सफल नहीं होगा। हरियाणा के लोग जान चुके हैं पूर्णतः विफल सरकार है। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस वक्त आगे बढ़ना चाहते थे, दीपेंद्र हुड्डा के साथ लोकल लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबसे बातचीत करते। सर आपका क्या नाम है? सतबीर पहलवान। सतबीर जी, आप आगे जाने के लिए यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, कांग्रेस का डेलीगेशन आया था लेकिन उनको रोक दिया गया है, क्या वजह आपको लग रही है रोकने के पीछे? नहीं, पहली बात तो डेलीगेशन आया, यहाँ शांति है, सरकार को रोकना ही नहीं चाहिए था, और यहाँ ना गुड़गांव में कोई अशांति है, ना मेवात में कोई अशांति है, ना ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा, ये सिर्फ जो BJP के जो RSS और ये बजरंग दल और इस तरह के जो फजूले कार्यकर्ता पड़ रहे हैं उनकी वजह से, और जो मेवात में इस तरह के तत्व रहते हैं शरारती तत्व, उनका झगड़ा है, यहाँ आम पब्लिक का कोई झगड़ा नहीं है आपस में, किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं मैडम, जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके बाद? षड्यंत्र, सीधा सीधा इसमें कोई दोहरा नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र है और 2024 को नज़र में रख के ये सब किया जा रहा है। क्या वाकई फोर्सेस कम थी? अगर फोर्सेस ज्यादा होती तो शायद बिल्कुल बिल्कुल फोर्सेस कम थी, फोर्सेस थी नहीं। लेकिन अब पिछले 4 दिन से बुलडोजर की कार्रवाई जो चल रही है उसको कैसे देख रहे हैं? अब हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है तो उम्मीद है कि आगे सब सही होगा। और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो क्या बात करते हैं। हुड्डा साहब, एक मिनट, गाड़ी के दरवाजे बंद है, फिर बात कर लेंगे। और दीपेंद्र हुड्डा है यहाँ पर, जो डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, 9 लोग थे जो जाना चाहते थे लेकिन कुछ ही लोग जा पाए। दीपेंद्र हुड्डा इस समय हमारे साथ में। दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी,
क्या हुआ प्रशासन ने क्या कहा आपसे, क्यों आगे नहीं जाने? अभी सबका हमने वैसे डिटेल में एक छोटा सा छोटा आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम नू जा रहे थे, नू में हम नलड़ मंदिर में जाना चाहते थे। हम नू शहर के अंदर शहर के अपने शहरवासियों से व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे, अनाज मंडी के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से मिलना चाहते थे और सभी समुदाय के अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान माल का नुकसान हुआ इस दंगे में, हम उन सभी लोगों से मिलना चाहते थे, चाहे वो किसी का मकान का गिराया गया हो गैरकानूनी तरीके से या किसी और किसी का जान माल का नुकसान है, किसी कार जलाई गई हो, हम सभी लोगों से मिलना चाहते थे और जख्मों पे मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की अपील करना चाहते थे। और इस सरकार की जो ये विफलता का प्रतीक बार बार हरियाणा में इस प्रकार का माहौल बन रहा है, पूरी तरह सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है। सरकार की विफलता का हो या सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मंशा ठीक नहीं दिखाई दी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होने के बावजूद कोई पुलिस प्रशासन लगाया नहीं गया। आज इतना पुलिस बल जो लगाया गया हमें रोकने के लिए, इतना पुलिस बल जो हमारे को रोकने के लिए लगाया गया, ये अगर उस दिन लगा देते तो यात्रा के दिन दोनों समुदाय में टकराव नहीं होता, लेकिन उस दिन तो पुलिस बल लगाया नहीं, होमगार्ड के भरोसे छोड़ के चले गए।